उदयपुर में एक बार फिर से लेपर्ड का हमला हुआ। हालांकि इस बार लोगों ने मिलकर किसान पर हमला कर भाग रहे लेपर्ड को कुल्हाड़ी से मार डाला। राजस्थान के कुछ जिलों में आज बारिश का अलर्ट, अगले दो दिन तक तेज बरसात की आशंका। राजस्थान में होगा सस्ता इलाज, अलग होंगे अस्पताल। राजस्थान के टूरिज्म को अब अस्पताल से जोड़ा जाएगा, सरकार जल्द ही इसे लेकर एक पॉलिसी लाने वाली है। जयपुर में गुरुवार देर रात एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। कहा सुनी के बाद हुए झगड़े में गुस्सेल पति ने कमरे में पत्नी को पीट पीट कर मार डाला। अजमेर की गीगल थाना पुलिस ने राह चलते युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऐसा ही भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में हरियाणा की एक गैंग को किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए लेकर ऐसा ही भर्ती परीक्षा का पेपर बच्चों को बेचा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सीएम ने कहा, आरोपियों में पुलिस का खौफ इतना होना चाहिए, या तो वो अपराध करना छोड़ दे या प्रदेश छोड़कर चले जाए। राजस्थान के प्रतापगढ़ में थ्रेसर मशीन में फंसने के कारण किसान की हुई मौत। सीकर में डेयरी संचालक मंथली वसूलने को लेकर मारपीट व लूट का मामला सामने आया है। बदमाश डेयरी में तोड़फोड़ करते हुए हजारों का कैश लूट कर भाग गए। घटना सीकर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र की है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में अवैध डोडा तस्करी के दौरान पुलिस वालों को देखकर तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार। गाड़ी की तलाशी के दौरान 390 किलो डोडा मिला।